हाय एवरीवन, आज की कहानी एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी है जो कि 1880 में फिलाडेल्फिया यूएसए के अंदर हुई थी। बहुत तेज बारिश की एक रात में एक ओल्ड कपल बारिश और तूफान से बचने के लिए एक छोटे से होटल में चले जाते हैं। होटल के अंदर जो क्लर्क होता है वो उन्हें बहुत ही वार्म वेलकम करता है, ठंड इतनी ज़्यादा होती है उन्हें कॉफ़ी ऑफर करता है, साथ ही साथ एक बुरी खबर भी सुनाता है कि सर सारे रूम्स जो हैं सोल्ड आउट हैं, लेकिन बाहर इतनी बारिश है, इतनी ठंड है कि आपको बाहर वापस नहीं जाना चाहिए। और वो ये उन्हें ऑफ़र देता है कि सर हमारे पास कोई रूम तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप मेरा रूम ले लीजिए, इतना ग्रैंड तो नहीं है लेकिन आपको रात बिताने के लिए कम्फर्टेबल होगा, आधी रात तो हो ही चुकी है। दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है और वो उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगले दिन सुबह जब वो चेकआउट करते हैं और उस लड़के को वापस मिलते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने बियॉन्ड अपनी ड्यूटी जाके हमारी हेल्प की है, देखना एक दिन मैं तुम्हारे लिए अमेरिका की सबसे बड़ी होटल बनाऊंगा। क्लार्क सोचता है कि कई लोग उसके पास आते हैं इमोशनल होके, अच्छी सर्विस से खुश होके कई बातें कह देते हैं, वैसे ही अंकल ने भी कह दिया होगा कि एक दिन अमेरिका की सबसे बड़ी होटल बनाऊंगा। बात भूल आई गई हो जाती है, वो भी भूल जाता है। दो साल बाद होटल के क्लार्क को एक लेटर मिलता है। लेटर के ऊपर सेंडर का नाम होता है विलियम वाल्डोर्फ एस्टर। वो जब लेटर खोलता है उसमें उसी तूफानी रात का जिक्र होता है और न्यूयॉर्क का एक रिटर्न टिकट होता है और उसे एक फिक्स शेड्यूल दिया होता है कि इस तारीख को इस दिन आपको आके मिस्टर एस्टर से मिलना है। अब वो भी एक यंग क्लार्क होता है, बोलता है चलो अगर कुछ ना हुआ तो न्यूयॉर्क फ्री में घूम के आ जाएंगे, और वो तय डेट और टाइम पर न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। वो मिस्टर एस्टर के ऑफिस पहुंचता है और उसे बहुत ही वार्म वेलकम मिलता है और मिस्टर एस्टर अपने केबिन का कर्टन हटा के उसे एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रिक, रेड ब्रिक की एक बिल्डिंग दिखाते हैं और पूछते हैं कैन यू सी दैट बिल्डिंग। वो कहता है बिल्कुल ये बिल्डिंग मुझे दिख रही है। बोलता है यही वो मेरी होटल है जो अमेरिका की सबसे बड़ी होटल है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, एंड यू वुड बी द फर्स्ट जनरल मैनेजर ऑफ दिस होटल। सुन के ऐसा लगता है जैसे सपना हो। फ्रेंड्स, दिस इज अ ट्रू स्टोरी एंड दिस मिराकल डिड हैपन। द फर्स्ट GM ऑफ दैट होटल वॉज मिस्टर जॉर्ज सी बोल्ट, हु वॉज दैट फिलाडेल्फिया होटल क्लार्क। लेटर ऑन वो उस होटल के प्रेजिडेंट भी बने और होटल एस्टोरिया आज भी न्यूयॉर्क के अंदर है और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, इट्स ह्यूमैनिटी अबव ऑल। इफ यू ट्रीट एवरीवन with love, respect, grace and care, you cannot fail in life. So if you like this story, please do hit the subscribe button, like and share it with your friends. Thank you very much.